गुड इवनिंग बच्चों, आइए हम लोग जहाँ से एंड किए थे क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो रेशनल नंबर पढ़ रहे थे और वहाँ इरेशनल नंबर के बारे में हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था। सबसे पहले रेशनल नंबर की डेफिनेशन देखें तो सिंपल अगर वर्डों में कहा जाए तो कह सकते हैं कि एनी नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड पी एंड क्यू बोथ बिलोंग्स टू आई यानी इंटीजर्स। P और Q क्या हैं, दोनों ही इंटीजर्स हैं और Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जैसे आप डेफिनेशन लिखी हुई है इरेशनल नंबर की आप देख सकते हैं। तो नंबर नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू एंड Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू आई, पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू आई, जहाँ पे आपको डॉट्स दिख रहे हैं आप ये समझ सकते हैं कि आई क्या है, इंटीजर्स हैं और ये जो साइन बना है पी कॉमा क्यू और आई के बीच में इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, यानी वहाँ पाया जाता है। तो पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स हैं। तो ऐसे उसको हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे जिनको इस फॉर्म में एक्सप्रेस ना किया जा सके, या सिंपली कह सकते हैं कि एनी नंबर विच इज़ नॉट अ रेशनल नंबर इज़ कॉल्ड इरेशनल नंबर। आइए देखते हैं किसी नंबर को हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये रेशनल नंबर नहीं है या ये इरेशनल नंबर है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, प्रूव दैट रूट टू इज़ एन इरेशनल नंबर, कि रूट टू क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इसको देखते हैं। तो सोल्यूशन देखते हैं इसका, सबसे पहले कि लेट रूट टू इज़ अ रेशनल नंबर। ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम किसके थ्रू चलेंगे, कंट्राडिक्टरी मेथड। कंट्राडिक्टरी मेथड में क्या होता है कि जो कहा गया है हम उसका उल्टा मानते हैं और लास्ट में हमारा जो सपोजिशन होगा यानी जो हमने माना है वो गलत साबित होगा और फिर हम हाथ जोड़ेंगे, भाई हम कहेंगे कि हमसे गलती हुई और हमने इसको रेशनल माना था लेकिन ये क्या है, इरेशनल नंबर है, और प्रूफ हो जाएगा कंट्राडिक्शन से। तो ये देखते हैं, सबसे पहले इन्होंने क्या प्रूफ करने का है, इरेशनल, लेकिन हम माने क्या हैं, रेशनल। तो हमने लिया रूट टू इज़ अ रेशनल नंबर। अगर रूट टू रेशनल नंबर होगा तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो रूट टू इक्वल टू ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं या पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो हमने क्या लिखा इक्वेशन वन में, रूट टू इक्वल टू ए बाई बी, वेयर कंडीशन क्या लगी है, वेयर ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर, जहाँ ए और बी में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, जहाँ ए और बी में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम, तो रूट टू इक्वल टू रूट टू इंटू ए कर सकते हैं इधर से हम, अगर हम देखें तो बी को अगर क्या करें लेफ्ट साइड में भेज दें तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट टू बी आ जाएगा। फिर अगर देखें तो ए स्क्वायर इक्वल टू हम क्या सकते हैं, स्क्वायरिंग करने पे दोनों साइड का स्क्वायर करिए तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू बी स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन टू डाल रहे हैं, लेकिन एक बात सोचिए कि अगर किसी नंबर को हम 2b या 2k या 2c कुछ भी लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लिकेशन है एक नंबर में, तो वो उस नंबर क्या कहलाती है, इवन नंबर कहलाती है। तो यही चीज़ लिखा गया आगे कि ए स्क्वायर इज एन इवन नंबर, चूँकि ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 2b स्क्वायर है। आगे देखते हैं, तो अगर ए स्क्वायर जो है इवन है तो कोई भी इवन नंबर अगर वो स्क्वायर के फॉर्म में है तो कैसे मिलेगी, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए। अगर ए में टू है तभी तो ए स्क्वायर में टू आएगा, ऑब्वियस ही बात है। तो ए स्क्वायर इज़ इवन नंबर, तो देन ए इज़ एन इवन नंबर। तो यहाँ पे हम सपोज क्या करेंगे अगली लाइन में, ए इक्वल टू टू के, आपको ये पता होगा कि इवन नंबर कैसे फॉर्म में होता है, टू के फॉर्म में होता है। तो ए इक्वल टू हमने क्या ले लिया यहाँ पे देखें, तो ए इक्वल टू हमने ले लिया टू के। अब इस ए इक्वल टू टू के की वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, और रूट ए सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू टू बी स्क्वायर वाले इक्वेशन में, यानी सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देन फ्रॉम सेकंड वी गेट टू के स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, टू के का स्क्वायर, टू के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा टू बी स्क्वायर, टू बी स्क्वायर। अब देखिए टू के का स्क्वायर क्या होगा, टू का स्क्वायर फोर, के का स्क्वायर के स्क्वायर, फोर के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू बी स्क्वायर। टू से फोर को कैंसिल करिए तो क्या बचेगा, यहाँ बी स्क्वायर इक्वल टू बच जाएगा टू के स्क्वायर। अब फिर से ध्यान दीजिए, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया हमारा, टू के स्क्वायर। अगर बी स्क्वायर इक्वल टू टू के स्क्वायर है तो बी क्या हो जाएगा, इवन नंबर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है टू का उसमें, तो बी हो गया इवन नंबर। तो यहाँ नीचे एक कंक्लूजन लिखा गया है, फिर इसके बाद देखिए कि फ्रॉम आर वन एंड आर टू, जहाँ हमने ए को लिखा आर वन कि इवन नंबर है, बी को लिखा आर टू वाले उसमें ये इवन नंबर है। अब अगर दोनों ही इवन नंबर हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है ए भी टू से डिविजिबल होगा और बी भी टू से डिविजिबल होगा,
ए भी टू से डिविजिबल होगा और बी भी टू से डिविजिबल होगा। इस केस में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, तो ए इज़ एन इवन नंबर, तो फ्रॉम आर वन एंड आर टू बोथ ए एंड बी आर क्या हो जाएंगे, इवन नंबर्स हो जाएंगे, सो दे हैव कॉमन फैक्टर टू, उनके पास क्या होगा, एक कॉमन फैक्टर टू होगा। लेकिन ये क्या है, विच इज़ अ कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन कहाँ से है, आइए देखते हैं ऊपर से, कि जब हमने पहला इक्वेशन लिया था जहाँ पे रूट टू इक्वल टू ए अपान बी था, यहाँ पे क्या था, वेयर ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर, ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था, तो इसका मतलब ये क्या है, कंट्राडिक्शन है। तो ये चीज़ कह रहे हैं कि विच इज़ अ कंट्राडिक्शन, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, इसलिए हमारे सपोजिशन जो हमने माना था वो क्या है, गलत है, हमारी सपोजिशन क्या हो गई, गलत हो गई। यही स्टेटमेंट हमेशा कंट्राडिक्शन में आता है कि इट्स अ कंट्राडिक्शन, ये क्या है, कंट्राडिक्शन है, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, जो हमने माना था वो गलत है। हमने माना क्या था, सबसे पहला इक्वेशन ध्यान दीजिए, हमने माना था, उसके ऊपर देखिए, तो रूट टू इज़ अ रेशनल नंबर, इसका मतलब गलत क्या हुआ, रूट टू इज अ रेशनल नंबर गलत हुआ। तो फिर क्या होगा, रूट टू अगर रेशनल नंबर नहीं है तो रूट टू इज़ अ इरेशनल नंबर, तो हैंस रूट टू इज़ अ इरेशनल नंबर। ओके, तो यहाँ से उम्मीद करते हैं कि आप प्रोसेस समझे होंगे, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसको आप दोबारा देखिएगा वीडियो को, वरना आप हमसे फिर से पूछ सकते हैं। अगले वीडियोज़ में हम कुछ और प्रॉब्लम्स लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू, बाय।